अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने यूएस में बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें 75 बेसिस पॉइंट यानी 0.75% बढ़ाई हैं। इस खबर से भारतीय बाजार को भी झटका लग सकता है। भारतीय करेंसी रुपया और नीचे जा सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कल जो दरें बढ़ाई हैं वह इंटरेस्ट रेट में साल 1994 के बाद से सबसे बड़ा इजाफा है। इस खबर के बाद से ग्लोबल बाजारों में जोरदार हलचल देखने को मिल सकती है। फेड ने यह फैसला अमेरिका में बेतहाशा बढ़ती महंगाई दर के मद्देनजर लिया है। अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन साल 1981 के बाद से सबसे उच्च स्तर पर आ गया है और ये 8.6% रहा है। अमेरिका में खाने पीने की वस्तुओं और एनर्जी की कीमतों में इजाफे के चलते महंगाई दर में यह बढ़ोतरी देखी गई है। फेड ऑफिशियल्स ने ब्याज दरों में आगे भी और बढ़ोतरी का संकेत दिया है। लोगों के कर्ज लेने की ब्याज दर में बढ़ोतरी होने का इशारा पहले ही दे दिया था और इसी तर्ज पर इंटरेस्ट रेट में यह बढ़ोतरी की गई है। फेड ने यह भी कहा है कि वो अमेरिकी शेयर बाजार पर इस रेट हाइक का असर आने पर नजर रखेगा। वहीं अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 0.75% का इजाफा करके इस बात को साफ भी कर दिया है कि वो यहां बढ़ती महंगाई दरों को निचले स्तर पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। दरें बढ़ाने के अपने बयान में केंद्रीय बैंक ने साफ कहा कि वो महंगाई दर को 2% पर लाने के लिए कड़े कदम उठाएगा। फेड ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि अमेरिका में आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ सकती है और इतना ही नहीं देश की बेरोजगारी दर में भी और इजाफा देखा जा सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व के दरें बढ़ाने का भारतीय बाजारों पर भी बुरा असर आने का पूरा अंदेशा जताया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि डॉलर के मुकाबले रुपये में बड़ी गिरावट आ सकती है। फेड के दरें बढ़ाने के बाद डॉलर के रेट में बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है और रुपये में गिरावट और गहरा सकती है। इतना ही नहीं भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व ऑफ इंडिया पर भी नीतिगत ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव आ सकता है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।